हाय फ्रेंड्स, पीके स्टूडियो कोटा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप कोई सा भी पुराना कैमरा जब लेते हैं तो उस पर क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए और कैमरे के अंदर ऐसी क्या सेटिंग्स है जो आपको देखनी चाहिए, जिससे आपको ये पता लग सके कि कैमरा कितना चला हुआ है और कितना पुराना है। क्योंकि जिस भी कस्टमर से हम लेते हैं, बहुत सी बार तो हमें बिलिंग मिल जाती है और उससे ये पता लग जाता है कि कितना पुराना है, लेकिन ये पता नहीं लगता है कि चला हुआ कितना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास सोनी का NX100 कैमरा। इसमें आप ऑपरेशन टाइमिंग देखना चाहते हैं कि ये कैमरा कितना चला हुआ है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मेन्यू जो दिया गया है उस पर प्रेस करना है। मेन्यू प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा अदर। अदर पर आने के बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे, आप इस साइड पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ऊपर का एरो प्रेस करना है। जैसे आप ऊपर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पे, नीचे से थर्ड नंबर पे दिख जाएगा ऑपरेशन टाइम। यहाँ पर ऑपरेशन टाइम आप देख सकते हैं 119 × 10 hours। यहाँ पर ये 119 घंटे और 10 मिनट चला हुआ है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो ये कैमरा है कितना पुराना है और कितना चला हुआ है। ये 119 घंटे चला हुआ है। तो अगर हम मैक्सिमम ऐसे लेते हैं तो एक जो वेडिंग होती है वो 3 से 4 घंटे की रहती है, कोई 5 घंटे की हो जाती है, कोई 3 और कोई 4। तो अगर हम लगभग लेते हैं 4 घंटे की, तो इसका ऑपरेशिंग जो इसका वेडिंग टाइम आता है 29 वेडिंग का आता है। तो ये लगभग 29 वेडिंग कवर कर चुका है ये कैमरा। तो इसके अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक 1 ईयर में कोई भी एक फोटोग्राफर एक कैमरे को ज़्यादा से ज़्यादा 12, 15 या 16, 17 के समथिंग ही वेडिंग कवर कर पाता है। तो जैसे अभी इसका 119 घंटे ऑपरेशन टाइम है, तो इसका आइडिया लगभग ये है कि ये 2 साल से, ये लगभग 2 साल समथिंग पुराना कैमरा है। और जब भी आप कैमरा लें तो इसमें इसकी क्रैकिंग चेक कर लें और इस पर डस्ट वगैरह कितनी है, लेंस साफ है कि नहीं है, ये चीज़ें चेक कर लें। ये कहीं गिरा हुआ बैटरी में स्क्रैच वगैरह और कोई क्रैकिंग वगैरह तो नहीं है। और इसके अकॉर्डिंग आप भाई ये कितना पुराना है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी प्राइस लगा सकते हैं और पुराना कैमरा सेल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो जूम का बटन दिया गया है, तो आप इसे बार बार इस तरह से जूम करें, बार बार इस तरह से 1-2 मिनट तक जूम करके देखें। अगर ये बीच में कहीं फोकस छोड़ रहा है तो आप इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कैमरे में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम फोटोग्राफी से संबंधित टिप्स और ट्रिक्स इस चैनल पर देते रहते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।